दोस्तों, हमारे इस टूर गाइड वीडियो में बिहार पार्ट 3 में हम राजगीर का पार्ट 2 दिखाएंगे। पिछले हफ्ते राजगीर पार्ट 1 में हम 6 स्पॉट दिखाए थे, आज और 6 दिखाएंगे। आइए देखते हैं। चलह राजा राजगीर नगरिया जबे हमें घुमावे ला, चलह राजा। अभी हम राजगीर में हैं। ये देखिए, नीचे ब्रह्मकुंड है। पहाड़ का नजारा देखिए कितना अच्छा लग रहा है। देखिए चारों ओर व्यू कितना अच्छा दिख रहा है, पूरा पहाड़ी पहाड़ है। देखिए इस टीला के ऊपर जाना है अभी। ये देखिए नीचे व्यू दिख रहा है और देखिए वो मंदिर। दोस्तों, राजगीर पार्ट 1 में हम होटल का भाड़ा, ट्रेन का भाड़ा, घूमने का खर्चा क्या क्या है हम टोटल हम बता चुके हैं, इसीलिए हम इस वीडियो में नहीं बता रहे हैं। आप लोग पार्ट 1 देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं ब्रह्मकुंड। पुराण कथाओं के अनुसार राजगीर को देवनगरी भी कहा जाता है, इसीलिए राजगीर में सभी धर्मों की संगम स्थल है। कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र राजा बसु ने राजगीर में ब्रह्मकुंड परिसर में एक महायज्ञों की आयोजन करवाया था। इसी दौरान आए सभी देवी देवताओं को एक ही कुंड में स्नान करने में बड़ी परेशानी लगती थी। तभी ब्रह्मा ने वहां 22 कुंड और 52 जलराशियों का निर्माण भी करवा दिया था। और वैज्ञानिक रूप से मैं कहता हूं, वैभवगिरी पर्वत की सीढ़ियों पर मंदिर के बीच गर्म जल के कई झरने हैं, जहां सप्तकर्णी गुफा से पानी आता है। और इसी सप्तकर्णी पहाड़ में छिपा हुआ बड़े बड़े तालाब भी है। उसी तालाब के पानी पत्थर के चट्टानों को भेद करते हुए यहाँ पहुँचती है ब्रह्मकुंड में। काफ़ी ऊंचा है और सीढ़ियाँ भी काफ़ी है। चलिए चलते हैं, ऊपर चलते हैं चट्टानों के ऊपर। ये गुफा दिखाई दे रहा है, शायद कोई मुनि ऋषि तपस्या करता था यहाँ पर, वैसा तो लग रहा है। अभी हम ब्रह्मकुंड पहाड़ के ऊपर पहुँच गए हैं। ये देखिए नीचे ब्रह्मकुंड मंदिर है और ये देखिए चारों ओर दिखाई देता है पूरा राजगीर। पूरा राजगीर का जितना पहाड़ है टोटल दिखाई देता है और पूरा राजगीर सिटी भी दिखाई देता है। देखिए कितना अच्छा लगता है राजगीर सिटी, ऊपर से पूरा साफ दिखाई देता है और कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। इस पहाड़ में टूरिस्ट लोग काफ़ी आते हैं, इसीलिए छोटा मोटा एक दो ठो दुकान भी है। और ये देखिए दुकानदार फोटोग्राफी का काम भी करते हैं। देखिए चलिए अब नीचे चलते हैं ब्रह्मकुंड की ओर। धरती पर कई जगहों पर भौगोलिक गतिविधियों के कारण गर्म पानी के कुंड और झरने पाए जाते हैं। इनमें से अधिकतर कुंड में विशेष औषधि गुण होती है, क्योंकि इनमें कई तरह की खनिज पदार्थ उपस्थित होते हैं, इसीलिए ये पत्थर के बीच से आते हुए गर्म पानी आते हैं। ये पानी में स्नान करने से आदमी का त्वचा संबंधी कोई भी रोग दूर हो जाता है। और यहाँ देखिए 6 कुंड है, ये 6 कुंड अलग अलग मुनि ऋषियों के नाम पर किया गया है। यहाँ जो जलराशि है अलग अलग तापमान की अलग अलग कुंड से निकलती है। और ये है पाताल कुंड, यहाँ पर कोई भी वस्त्र पहन के नहाना मना है। यहाँ के कुंड में नहाने से कई तरह की बीमारियाँ, खास करके त्वचा संबंधी कोई भी बीमारियाँ आदमी का छूट जाता है, क्योंकि यहाँ के पर्वतों में कई तरह के कैल्शियम, सोडियम, गंधक, सल्फर इत्यादि पाए जाते हैं, उसी का पानी चू चू के आता है, इसीलिए ये पानी लाभदायक होती है। गर्म कुंड देखने के बाद अभी हम लोग सीधे चल रहे हैं बिंबेश्वर सोन भंडार की ओर। कहा जाता है कि हजारों साल पहले यहाँ बिंबेश्वर ने लाखों टन सोना छिपा के रखा था पहाड़ के गुफा में। ये सोना पहले जरासंध का था, जरासंध कंस का ससुर था। सोन भंडार गृह के पास उसकी जैसी और भी कई गुफाएं हैं। गुफाओं में प्राचीन काल का लिपि, मूर्तियां पत्थरों में खुदाई किया गया है हजारों सालों से। यही है वो गुफा। गुफा के अंदर काफ़ी अंधेरा है और ये देखिए गुफा में कुछ कुछ लिपियां हैं पुराने ज़माने का, जो कोई अभी पढ़ नहीं पाएगा। और ये देखिए पत्थर में, ये देखिए दरवाज़ा जैसे बनाया हुआ है और एक मोटा पत्थर से
पूरा बंद कर दिया है। कहा जाता है इसी पत्थर के पीछे एक सुरंग है, वही सुरंग में लाखों हजारों टन सोना छिपाया हुआ है। अभी भी हजारों सालों का पुराना ये गुफा में दीवारों में काफ़ी पुराने ज़माने का लिपियाँ जो अभी कोई नहीं पढ़ पाएगा, और भगवान बुद्ध का मूर्तियाँ काफ़ी खुदाई किया गया है पत्थरों में। किसी को तांगे को कहा जाता है, और मैं बुढ़ा ब्राह्मण बिना वेतन भोगी हूँ बाबू। यही बाबू लोग का सेवा कर 70 साल में परिवार का बोझ उठा रहा हूँ। आप सब से मदद कासा है बाबू, सहारे कासा है। लेकिन हमारे दिमाग में ये नहीं आता, अगर इसमें सचमुच खजाना छुपा हुआ है तो इतना दिन से कोई भी इसको निकाला क्यों नहीं, चाहे जितना भी मोटा पत्थर के दीवार हो। हमें लगता है इस गुफा की कहानी कुछ और है, नहीं तो इस गुफा के अंदर भगवान बुद्ध की इतनी सारे मूर्तियां खुदाई क्यों हैं और कुछ भाषा में कुछ कुछ लिखा हुआ है। हमें कुछ और लगता है, चलिए सच का पता लगाते हैं। सोन भंडार, तो सोन भंडार का दो अर्थ होता है। हाँ। किंवदंतियों के आधार पर इसे लोग राजा बिंबिसार का खजाना मानते हैं। अच्छा। लेकिन 1905 पे जब इसकी खुदाई लॉर्ड कनिंघम और मार्शल ने करवाए है तो स्वर्ण भंडार का कोई प्रमाण मिला नहीं, तो आर्कियोलॉजिकल वालों ने अपना नोटिस बोर्ड पर सोन भंडार लिखा है। हाँ। सोन का मतलब सुरंग होता है, अर्थात पहाड़ के भीतर 3 माइल की लंबी सुरंग है। इस पहाड़ का नाम हुआ व्यवहारगिरी, और इस व्यवहारगिरी पहाड़ी के ऊपर में सप्तपर्णी गुफा पिपली गुफा है, खुला हुआ है। हाँ। उन गुफाओं का रास्ता यहाँ तक बताया गया है, और ऐसा बौद्ध साहित्य में वर्णन है कि जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, महापरिनिर्वाण के 3 महीना बाद 500 भिक्षुओं का प्रथम बौद्ध महासंगीति सभा सप्तपर्णी गुफा के भीतर हुई, और बौद्धों की 3 धार्मिक पुस्तकें लिखी गयी, सुत्पिटक, विनय पिटक और अभिधम, मतलब त्रिपिटक जी। लेकिन दंत कथा है कि इसके पीछे बिंबिसार का खजाना छिपा हुआ है। खुदाई में स्वर्ण भंडार का कोई प्रमाण मिला नहीं, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों का कहना है कि जैन साधुओं का साधना का जगह है, मेडिटेशन का जगह है, जैना मोनूमेंट है। तो दोस्तों, सोन भंडार का असली कहानी हम जान पाए, अभी हम लोग जाएंगे जरासंध अखाड़ा। अभी हम जरासंध अखाड़ा में जा रहे हैं। हाँ, सोन भंडार से 1 किलोमीटर दूर। ओके। इसे बोलते हैं राजा जरासंध और भीमी, जिनका जो युद्ध अखाड़ा का युद्ध मल्ल युद्ध, जिसको बोलते हैं रणभूमि। रणभूमि जरासंध का रणभूमि मल्ल युद्ध स्थान। और अभी हम लोग आ गए हैं जरासंध का अखाड़ा। ये वही अखाड़ा है जहां भीम और जरासंध में भीषण मल्ल युद्ध हुआ था, और जरासंध यहां पराजित हुआ था। कुछ लोग ये भी कहते हैं ये बौद्ध लोग और जैन लोगों का ध्यान का, मेडिटेशन का जगह है। कहानी कुछ भी हो, कहानी तो बहुत पुरानी है, वो ना हमको पता है ना आपको पता है। खैर जो भी हो, धार्मिक स्थल है, टूरिस्ट स्पॉट है, हम लोग मजा ले रहे हैं। और ये है बेनू बन, और ये देखिए छोटे छोटे बांस के झाड़ियों का बन है। देखिए अंदर में कितनी छांव है, यहाँ बहुत अच्छी पिकनिक भी होती है। देखिए यहाँ कोई अगर पिकनिक करेगा तो पूरा दिन यहीं बीत जाएगा, यहाँ का सुंदरता देख के।
दोस्तों अभी हम आपको दिखा रहे हैं मनियार मठ। ये देखिए हमारे पीछे ये मनियार मठ का मंदिर है और हम चारों ओर कैमरा घुमा घुमा के दिखा रहे हैं इसका पूरा नज़ारा। देखिए मनियार मठ एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ के लोगों का कहना है महाराज जरासंध इस मंदिर में पूजा करते थे और साक्षात मनसा देवी इस मंदिर के अंदर वास करते हैं। लोगों का तो मान्यता बहुत कुछ होती है लेकिन हमको थोड़ा ये बात अजीब लग रहा है। देखिए अगर ये 3000-4000 साल पुराना कहानी है जो महाभारत काल के हैं तो इतने सालों तक ये मंदिर कैसी सुरक्षित है, जबकि अभी तक महाभारत काल का कुछ भी अभी अवशेष कुछ भी नहीं मिला। तब का ये मंदिर जरासंध के नाम पर बनाया गया था ये मंदिर, या सिर्फ बाहर के टूरिस्ट लोगों को आने के लिए दिखाने के लिए ये सब चीज़ पहले ज़माने में ही बनाया गया था, ऐसा सिर्फ मेरा मान्यता है। राजगीर में आके मुझे ऐसा कुछ कुछ पता चला, ऐसा कुछ हमको दिखने लगा जो हम नहीं मान सकते ये सब चीज़। चलिए मेरे ना मानने से तो दुनिया नहीं चलेगी। राजगीर एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है, ऐतिहासिक स्थल है, यही काफ़ी है। वैसे तो अंदर में कुछ नहीं है, एक कुआँ है, कुआँ के अंदर कुछ भी नहीं है। कहते हैं इसमें माँ मनसा वास करता है ऐसा कहा जाता है, लेकिन हमको कुछ समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है। यहाँ का जो लोकल आदमी है मतलब लोकल गाइड लोग होते हैं, ये लोग हिंदू लोगों को एक कहानी बताते हैं और बौद्ध लोगों को जैन लोगों को और एक कहानी बताते हैं हर एक टूरिस्ट पॉइंट के ऊपर से, इसीलिए हमको थोड़ा गलत लग रहा है। और ये है बिंबिसार दीवार। ये दीवार ग्रेट चाइना वॉल से भी पुराना है। दोस्तों टूरिस्ट पॉइंट दिखाते दिखाते ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। हम राजगीर पार्ट 3 में और अच्छा अच्छा टूरिस्ट स्पॉट दिखाएंगे, इसीलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और हमारा YouTube चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हम अगले वीडियो में आपको राजगीर का और अच्छा अच्छा टूरिस्ट स्पॉट दिखा पाए। जय हिंद।